So we will continue with the last topic of the last lecture, shape of liquid drop on a solid surface. So अगर आपको याद होगा तो हमने last lecture में we have discussed different possibilities. अगर हमने एक small quantity of liquid को एक solid surface पे drop कर दिया तो या तो liquid spread होगा या फिर एक drop बनेगा, right? तो लिक्विड स्प्रेड होगा या ड्रॉप बनेगा, इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे व्हाट इज द सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एंड द सरफेस टेंशन सॉलिड एंड एयर एंड द सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर एंड ऑल्सो ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो वी विल डिस्कस दैट अगेन इन डिटेल और वापस कंडीशन डिराइव करेंगे. तो the last topic that we have discussed is shape of liquid drop on a solid surface. So bahut basic idea hai, if we release some quantity of liquid on a surface of solid to ya to spread hoga ya fir drop banega. It will depend primarily on surface tension of liquid and solid and angle of contact. So when a small amount of liquid is dropped on the surface of solid the liquid will either spread the liquid will either spread or a drop will be formed तो दोनों में से क्या होगा, विच फेनोमेना विल ऑकर, इट डिपेंड्स ऑन. चार फैक्टर है लेकिन दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो विच फेनोमेना ऑकर्स डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड. ऑफकोर्स सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इन दो चीजों पर डिपेंड करेगा प्राइमरली एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. बट अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट टाइम बोला था, अभी भी बताया कि बाकी दो सरफेस टेंशन पे भी डिपेंड करेगा. सरफेस टेंशन वहां वहां आता है जहां जहां पे दो फ्लूइड्स का सेपरेशन हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक दिस सॉलिड सर्फेस, और दो केसेस थे. दो केसेस क्यों है, क्योंकि दो टाइप के लिक्विड हमको पता है. वन लिक्विड इज वन विच वेट्स अ सॉलिड, जैसे वाटर या फिर केरोसिन. दूसरा है मर्क्यूरी का केस. तो इफ आई टेक वाटर तो वाटर के केस में ऐसा बनेगा. इफ आई टेक मर्क्यूरी तो मर्क्यूरी के केस में समथिंग लाइक दिस इज फॉर्म्ड. तो दोनों में से कौन सा केस होगा वो भी डिपेंड करता है कि आप लिक्विड कौन सा ले रहे हो. इफ यू आर टेकिंग अ लिक्विड जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है तो सेकेंड केस सेकेंड शेप विल बी फॉर्म. इफ यू आर टेकिंग अ लिक्विड जिसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है तो पहला केस फर्स्ट टाइप ऑफ शेप विल बी फॉर्म. तो एज आई टोल्ड यू कि जहां जहां पे फ्लूइड का सेपरेशन हो, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लिक्विड और सॉलिड, तो ये है लिक्विड, यहाँ पे आपके पास सॉलिड और ऊपर है एयर. तो लिक्विड सॉलिड में एक सरफेस टेंशन होगा जिसको हमने T1 बोला था, सॉलिड एयर में दूसरा होगा जिसको हमने T2 बोला था, और एक होगा लिक्विड एयर में जिसको हमने T3 बोला था. तो सरफेस टेंशन एट एट सॉलिड एयर इंटरफेस, इंटरफेस मतलब सरफेस होता है विद सेपरेट टू डिफरेंट मीडियम. तो सरफेस टेंशन एट सॉलिड एयर एंड लिक्विड एयर इंटरफेस ऑल्सो नीड्स टू बी टेकन इन अकाउंट.
बी टेकन इन अकाउंट, मतलब हमको ये तीनों के तीनों सरफेस टेंशन कंसिडर करके ही हम लोग कुछ बता सकते हैं। अगर आपने तीनों में से एक भी सरफेस टेंशन छोड़ दिया तो यू विल नॉट बी एबल टू टेल कि कौन सा शेप बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, स्प्रेड होगा, तो तीनों के तीनों कंसिडर करने पड़ेंगे। पर रिपीट अगेन, कुछ नहीं है, हमने एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लिया, एक सरफेस है उसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। नाउ वी आर लुकिंग फॉर एन आंसर कि लिक्विड स्प्रेड होगा कि ड्रॉप बनेगा, ड्रॉप बनेगा तो कौन सा शेप बनेगा, राइट? तो अगर आपको आंसर चाहिए कि ड्रॉप बनेगा कि नहीं बनेगा और कौन सा शेप बनेगा, उसके लिए फिर सबसे पहले आपको चार पैरामीटर लगेंगे, तीन सरफेस टेंशन के हैं, वो मैं मेंशन कर देता हूँ बिकॉज यू विल नीड इट एनी वेज। तो एक था T1, दैट इज सरफेस टेंशन बिटवीन, T1 दैट इज सरफेस टेंशन बिटवीन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। दूसरा पैरामीटर है T2, दैट इज सरफेस टेंशन बिटवीन बिटवीन सॉलिड एंड एयर। तीसरा है T3, सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, सरफेस टेंशन बिटवीन बिटवीन लिक्विड एंड एयर। और लास्टली इट डिपेंड्स ऑन थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये हमेशा ही सॉलिड सरफेस से मेजर होता है इनसाइड द लिक्विड, कहाँ तक, टेंजेंट तक। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड लिक्विड ही होता है, तो वहां पे इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन सॉलिड एयर नहीं बोल सकते हो, बिटवीन लिक्विड एयर नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का डेफिनेशन ही है दैट दिस इज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सॉलिड अप टू द टेंजेंट एंड इट इज मेजर्ड इन साइड द लिक्विड। नहीं तो फिर क्योंकि यहाँ लिखा है सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर, लिक्विड एयर, तो वहां क्यों नहीं लिखा, वो हमेशा होता ही सॉलिड लिक्विड में है, तो दैट इज वाई एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो इफ यू रिमेम्बर, हमने यहाँ पे तीन, क्योंकि सरफेस टेंशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने तीन वेक्टर्स दिखाए थे। तो ये आ गया आपके पास वेक्टर नंबर 1 T1, विच इज सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। उसके बाद यू हैव दिस एज सेकेंड वेक्टर T2, विच इज नथिंग बट सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर। और एक तीसरा है दैट इज T3, विच इज सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर, लिक्विड एंड एयर T3। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो, अगर हम सेकेंड डायग्राम कंसिडर करते हैं, मतलब मर्क्यूरी के लिए करते हैं, तो भी वही रहेगा, दिस इज T1। और मैंने बताया था कि सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो जहां जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है किसका, लिक्विड और सॉलिड का, तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे। यहाँ पे भी हमने वही टेंजेंट ड्रॉ किया एक्चुअली, गुड। देन T2 इज हियर, ये आ गया आपके पास T2, एंड देन यू हैव T3। T3 का डायरेक्शन याद है, T3 का डायरेक्शन दिस वॉज T3। तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ जस्ट टू गेट इट इल प्रॉपर आइडिया। यस, तो दिस इज T3, राइट? तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पहले केस में वॉज एक्यूट और दूसरे केस में वॉज ऑब्ट्यूज। ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है। तो मैंने आपको बताया था कि आप दोनों में से कोई भी डायग्राम यूज करो, यू विल स्टिल गेट द सेम फॉर्मूला। तो दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, तो लेट अस टेक बोथ ऑफ देम वन बाय वन। तो दिस इज T1, उसके बाद ये T1 है, यहाँ T2 था, टू द लेफ्ट वॉज T2, ये आ गया T2, और T3, दिस इज T3, यहाँ पे आएगा T3। दूसरे केस में भी लगभग सेम ही है, ओनली थिंग दैट विल चेंज इज द डायरेक्शन ऑफ T3, बाकी सब कुछ सेम। तो इन द केस टू यू विल स्टिल फाइंड एग्जैक्टली द सेम थिंग मोर और लेस, सिर्फ T3 का डायरेक्शन चेंज होगा, T3 यहाँ आएगा, डन, दिस इज T3। तो ये एंगल था थीटा, ये है थीटा, तो ये है 180 माइनस थीटा। फिर आप T3 का कंपोनेंट देखते हो, पहले केस में अलोंग T1,
दूसरे केस में अलोंग टी टू। तो ये जो टी थ्री है इसका कंपोनेंट, इसको अलग अलग नाम है, इसको प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ टी थ्री इन द डायरेक्शन ऑफ टी वन, इसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ टी थ्री इन द डायरेक्शन ऑफ टी वन, इसको बोलते हैं शेडो ऑफ टी थ्री ऑन टी वन। शेडो ये वर्ड साइंटिफिक नहीं है ज्यादा, तो इसलिए यूज नहीं करते। दिस इज टी थ्री कॉस थीटा। सिमिलरली इस केस में भी आप प्रोजेक्शन देखोगे यहाँ पे आएगा, तो दिस विल बी टी थ्री कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। गुड, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, मतलब आपने एक बार सम अमाउंट ऑफ लिक्विड को ड्रॉप कर दिया, उसको रिलीज कर दिया, उसके बाद चाहे केस वन हो चाहे केस टू हो, द ड्रॉप विल बी एट रेस्ट। रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस आर बैलेंस। जब फोर्सेस बैलेंस होते हैं ना, तो जितना फोर्स राइट हैंड साइड में हो उतना लेफ्ट में होता है, जितना ऊपर हो उतना नीचे होता है, राइट। यहाँ तो हमको अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस की बात ही नहीं करनी, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम, यहाँ राइट साइड में दो फोर्सेस है, फर्स्ट डायग्राम टी वन एंड टी थ्री कॉस थीटा, और लेफ्ट में एक ही है टी टू। और अगर आप केस टू की बात करोगे, तो मैं केस वन यहाँ लिख रहा हूँ, तो आई जस्ट पुट डाउन केस वन हियर एंड केस टू ऑन, कोई सी एक परफेक्टली फाइन। तो केस वन यू हैव टू फोर्सेस, दैट इज टी वन प्लस टी थ्री कॉस थीटा ऑन द राइट एंड ओनली वन ऑन द लेफ्ट, दैट इज टी टू। तो यहाँ से मिल जाएगा टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी थ्री कॉस थीटा। तो आपको कॉस थीटा मिल जाएगा यहाँ से टी टू माइनस टी वन बाय टी थ्री। सिमिलरली अगर आप सेकेंड डायग्राम देखोगे, तो टी टू प्लस टी थ्री कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, तो टी टू प्लस टी थ्री कॉस ऑफ 180 इक्वल टू टी वन। लेकिन आपको पता है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस टी थ्री कॉस थीटा इक्वल टू टी वन, राइट। इसको वहां शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, तो टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी थ्री कॉस थीटा। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू टी टू माइनस टी वन बाय टी थ्री। तो सेम फॉर्मूला है। तो दोनों मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि इन एग्जाम मे बी सम वन ऑफ यू रिमेम्बर दिस, किसी को ये इजी लगता है तो ये करो, किसी को ये लगता है तो ये करो, विच एवर यू वॉन्ट, तो दोनों में से कोई भी एक। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको तो ये पता कि ड्रॉप बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सा शेप आएगा, क्योंकि दो शेप मैंने आपको बताया। तो सिंगल फॉर्मूला कैन टेल यू एवरीथिंग, वो बताएगा आपको कि शेप बनेगा कि नहीं, ड्रॉप बनेगा कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेट अस टॉक अबाउट स्पेशल केस, चार स्पेशल केसेस थे इसमें, और जिनको ये समझ में नहीं आया था तो मैं अभी वापस से रिपीट कर रहा हूँ। आई विल गो लिटिल। सबसे पहले स्पेशल केस में ना आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, टी टू माइनस टी वन अपॉन टी थ्री, पहले तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। दूसरा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक मतलब कॉस की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, बस इसके ऊपर कुछ नहीं लगता है। अब जिनको नहीं पता, आई विल कम बैक टू दिस अगेन, थोड़ा अभी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर ही रहे हैं, थोड़ा कर लेते हैं, वंस एंड फॉर ऑल खत्म करते हैं ठीक है। ओके, इट विल टेक लिटिल टाइम, लेकिन काम में आएगा आपको, तो बताओ होना चाहिए। सबसे पहले नहीं, दिस इज ऑल पॉजिटिव एड शुगर टू कॉफी, सबको पता है वो, नहीं आई एम नॉट, आपको जो बता रहा हूँ ना वो बेसिक्स याद रख। एक फॉर्मूला पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, एक फॉर्मूला 3 साल का, 9 जो भी आप पढ़ो, अगर सारा एक फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्री, ओनली वन फॉर्मूला, दैट इज व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, उतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। इफ यू नो दैट यू नो इट। अब आपको डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन होता है एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये डेफिनेशन है, दिस इज बाय डेफिनेशन। अब बोलेंगे कैसे का डेफिनेशन, तो हम स्टार्ट ही करते हैं सर्कल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली इन रियलिटी सर्कल के लिए डिफाइन किए गए थे, बाद में राइट एंगल ट्राइंगल बना, मतलब बाद में वो राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई किए, पहला था सर्कल। मेरे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, आर, गुड, दिस इज आर, रिमेम्बर दिस, रेडियस इज आर, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल, सेंटर इज एट ओरिजिन।
बोलते हैं यूनिट तो ये बताना चाहिए। तो अगर आपका रेडियस ही वन है, जब रेडियस इज वन तो ये जो आर की वैल्यू है ना वो वन है। एक्स क्या है, वाई क्या है, हमें को बताओ पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है। तो पहले क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स इज नथिंग बट कॉस थीटा, वाई इज नथिंग बट साइन थीटा, और दो ही फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन एंड कोसाइन, जिसको आप हार्मोनिक भी बोलते हो। टैन इससे बनता है, कॉट भी इससे बनता है, सेक कोसेक सब इसी से बनता है। तो अगर कॉस और साइन पॉजिटिव है तो सभी पॉजिटिव है। साइन बाय कॉस टैन इज पॉजिटिव, कॉस बाय साइन कॉट इज पॉजिटिव, वन बाय साइन वन बाय कॉस एवरीथिंग इज पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, तो वाई मतलब साइन थीटा, साइन और वन अपॉन साइन विल बी पॉजिटिव, एवरीथिंग एल्स विल बी नेगेटिव। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव मतलब कॉस नेगेटिव है, लेकिन साइन अपॉन कॉस या कॉस अपॉन साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन पॉजिटिव पॉजिटिव साइन कॉस एक्स जो है नेगेटिव, टैन एंड कॉट पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स होता है पॉजिटिव, होता है नेगेटिव, मतलब कॉस इज पॉजिटिव एंड वन अपॉन कॉस इज पॉजिटिव, सेक इज पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अगर आपको इतना पता है ना, देन डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू, ये कंफ्यूजन खत्म करेंगे हम। पहले ये समझ लो, तो इफ यू नो व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन है कॉस बी प्लस कॉस है साइन है बी, और आई आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर कि क्यू ऑल पॉजिटिव, क्यू साइन पॉजिटिव एक्चुअली नॉट साइन है, साइन एंड वन अपॉन साइन मतलब कोसेक, एंड टैन एंड कॉट, एंड हियर यू हैव कॉस एंड वन अपॉन कॉस दैट इज सेक। तो अब व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज दैट कि अभी तुमको इमिडिएटली समझ में आना चाहिए कि जब एंगल एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है, तो कॉस पॉजिटिव है। जैसे ही एंगल गया 90 से 270 के बीच में, कॉस इज नेगेटिव, बराबर राइट? तो ये ध्यान रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए कॉस की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो 90 से 270 के बीच में नेगेटिव होती है इन रियलिटी, ओके? वो कॉस, अगर आपने कभी कॉस ग्राफ प्लॉट किया होगा तो वो भी क्लियर हुआ होगा। साइन एंड कॉस कभी प्लॉट किया है क्या? यस। तो साइन एंड कॉस प्लॉट किया है तो साइन वेव ऐसा दिखता है। सिर्फ दिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज टू नो, इज टू अंडरस्टैंड, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये है जीरो, ये है पाई बाई टू, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2, ये है 2 पाई। तो साइन 0 से 180 में पॉजिटिव है, मतलब पाई तक, और 180 से 360 में नेगेटिव है, मतलब 180 टू 360 पाई टू 2 पाई नेगेटिव है। बट इफ यू प्लॉट कॉस, अगर आप कॉस प्लॉट करोगे ना, तो व्हाट यू विल सी समथिंग लाइक दिस। हाँ, थोड़ा सा डायग्राम करेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट डू यू सी, पाई बाई टू एंड 3 पाई बाई 2, मतलब 90 से 270 के बीच में क्या है, वो नेगेटिव है। गुड, तो ये अभी याद रहना चाहिए। आई नो आई शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस, लेकिन फिजिक्स आगे कंफ्यूज हो जाएगा अगर तुमको ये नहीं पता होगा। तो अब अगर आपको साइन ऑफ ए प्लस बी पता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन डी, तो आपको साइन ऑफ ए माइनस बी भी पता है। फिर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, फिर आपको कॉस ऑफ ए प्लस बी भी पता है, मतलब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फिर आपको कॉस ऑफ ए माइनस बी भी पता है, फिर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये सब पता है। तो आपको साइन सी प्लस साइन डी भी पता है, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी को एड करने से ही आता है, एड ए सब्ट्रैक्ट करने से ही आता है। कॉस सी प्लस कॉस डी या कॉस सी माइनस कॉस डी, वो कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी को एक बार एड एक बार सब्ट्रैक्ट करने के बाद ही आता है। तो ये सिंगल फॉर्मूला है विच इज टेलिंग यू एवरीथिंग। क्योंकि इफ आई नाउ आस्क यू, मुझे बता व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा, हाँ कॉस थीटा। लेकिन अगर समझे नहीं पता होगा तो यार सब्स्टिट्यूट करो ना, फिर साइन ए कितना बन गया 90, तो साइन 90 कॉस थीटा प्लस कॉस 90 साइन थीटा, कॉस 90 जीरो होता है,
तो ये 0 हो गया, तो क्या बचा? साइन 91 है तो क्या बचा? कॉस थीटा। तो तुमने तो वही बोला ना, साइन ऑफ 90 कॉस थीटा, राइट। अगर आपको कॉस ऑफ वन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा निकालना होगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। 180 तो इधर लिखोगे 180, इधर लिखोगे 180। साइन ऑफ 180 इज 0, कॉस ऑफ 180 इज -1, तो माइनस साइन थीटा, बराबर, गुड। और अगर मुझे ये सब नहीं करना है बार बार, तो मैं सिंपल सा लॉजिक यूज करता हूँ। जब जब 90 एंगल हो, मतलब पाई बाई टू हो, मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू हो, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, ऐसा जब हो, साइन ऑफ पाई बाई टू, साइन ऑफ 3 पाई बाई टू, कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस ऑफ 3 पाई बाई टू, ये सब हो, तो साइन का कॉस बनता है, कॉस का साइन बनता है। जब जब पाई प्लस हो, मतलब पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा। तो एक क्वाड्रेंट चेक कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, सबसे पहले देखो ये पाई है कि ये पाई बाई टू है, कितना है पाई है। तो जब पाई है तो साइन का क्या रहेगा? साइन। क्वाड्रेंट कौन सा है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन में क्या होता है? पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे? साइन थीटा। इफ आई आस्क यू व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, सिंपल सिंपल डन। तो ठीक है, अब इतना अगर आपको पता है, तो अब वी कैन गो बैक टू फिजिक्स पार्ट ऑफ इट। तो कमिंग बैक टू दिस पार्ट, चार केसेस हमारे आएंगे। केस नंबर वन, जिसमें T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब टेंशन बिटवीन सॉलिड एयर इज ग्रेटर देन टेंशन बिटवीन T1, क्या है T1? क्या है? सॉलिड लिक्विड। तो जब ऐसा होगा तो T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन 0। इसका सिर्फ मतलब ये हो गया कि T2 माइनस T1 इज पॉजिटिव, मतलब न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, क्योंकि T2 माइनस T1 क्या था? न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर क्या है? पॉजिटिव। इमेजिन T2 माइनस T1 है, T3 तो T2 माइनस T1 न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लेकिन ये था क्या? ये क्या था? कॉस, मतलब कॉस की वैल्यू 1 से कम है, लेकिन ग्रेटर देन 0 है। कैसे समझा? न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव नंबर कभी भी 0 से बड़ा होता है, बराबर। तो कॉस की वैल्यू 0 से बड़ी है, लेकिन 1 से कम है। अभी मैंने तुमको सब बताया, कॉस की वैल्यू 0 से बड़ा, 1 से कम, मतलब पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कॉस पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, सही है ना? लेकिन लेकिन एंगल, यहाँ पे जो तुम बात कर रहे हो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कभी भी 180 के ऊपर जाता ही नहीं है। इट इज बिटवीन 0 एंड 180, राइट। आप तुम बोल रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ है? 270 से 360, 270 से 360। बट लेकिन तुम एंगल ऑफ, यहाँ पे थीटा मतलब कौन है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब मैंने तुमको दो कंडीशन बता दी, एक तो कॉस पॉजिटिव चाहिए और एंगल कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180, तो कौन से क्वाड्रेंट में रह सकते हो? तो बात खत्म। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एंगल इज लेस देन 90, मतलब थीटा इज एक्यूट। अगर थीटा एक्यूट है तो कौन सा शेप बन गया? पहला वाला, कॉन्वेक्स, अपर कॉन्वेक्स। अपर कॉन्वेक्स क्योंकि तुम ऊपर से देख रहे हो ना, तो यू विल सी कॉन्वेक्स। ओके, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? केस नंबर टू, सो लेट अस टॉक अबाउट केस नंबर टू। फिर केस नंबर टू में मैंने आपको बताया था, इन केस टू मैंने सिर्फ इतना बताया था कि सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एयर इज लेस देन सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब T2 माइनस T1 इज लेस देन 0, मतलब T2 माइनस T1 ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव होने के साथ नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव होने के साथ ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर इज नेगेटिव, लेकिन मॉड ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इसका सिर्फ मतलब ये होता है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है ना, मॉड ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज लेस देन 1। अगर मैं मॉड हटा देता हूँ तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर T2 माइनस T1 अपॉन T3, इसकी जो वैल्यू है ये 0 से कम होगी लेकिन -1 से ज्यादा। इट इज लेस देन 0
बट ग्रेटर देन माइनस। तो ये जो आपको कंडीशन से इतना बता देता है कि योर वैल्यू ऑफ कॉस कैन नॉट गो बिलो -1। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर नेगेटिव है क्योंकि टी टू लेस देन टी वन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था उसमें ये नेगेटिव आ गया, जैसे माइनस फॉर एग्जाम्पल -1 और नीचे है 2, राइट। तो अगर मैं मॉड लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, +1। तो 1 2 से छोटा है कि नहीं, तो मॉड ऑफ T2 - T1 है T3 से कम है कि नहीं, है ना। वही तो लिखा है फिर, मॉड ऑफ T2 - T1, मॉड ऑफ न्यूमरेटर मतलब कौन, मॉड ऑफ T2 - T1 इज लेस देन T3, मतलब मॉड ऑफ T2 - T1 अपॉन T3 इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या होता है कि T2 - T1 अपॉन T3 इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लग जाएगी, -1 से 0 तक। कॉस की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में थी, सेकंड एंड थर्ड, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट तो 180 से 270 होता है ना, होता है कि नहीं। लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट तो 180 के ऊपर जाता ही नहीं है, तो कौन सा क्वाड्रेंट बचा आपके पास। हाँ तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 तक, तो थीटा क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस, बराबर। यही मैंने सब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लेकिन सम वन ऑफ यू वेर स्टिल कंफ्यूज कि कहाँ से आया। तो इट इज बिकॉज दैट ट्रिग्नोमेट्री यू नीड टू नो। तो जब कॉस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, +1 के बीच में है, तो एक ही क्वाड्रेंट है। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हो। इसके लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जब भी आया ना, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट भूल जाना, हटा दो उसको। इफ यू टॉकिंग अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180, भूल जाओ। तो दो ही क्वाड्रेंट बचे, पहला और दूसरा। तो इफ कॉस इज बिटवीन 0 एंड 1, मतलब पॉजिटिव, यू आर ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एंगल इज एक्यूट। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ कॉस इज लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन, हाँ लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -1, मतलब नेगेटिव है, तो यू आर इन विच क्वाड्रेंट, तो ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये शेप बनेगा। दूसरा, इसका मतलब आप लिक्विड का टाइप बता रहे हो। इफ यू आर टेलिंग मी दिस इज द शेप, यू आर टेलिंग मी दैट दिस इज द लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड। और अगर आप बोल रहे हो एक्यूट है, तो यू आर टेलिंग मी दैट द लिक्विड वेट्स सॉलिड। केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 उसमें होता क्या है, इन केस नंबर 3 क्या था, केस नंबर 3 याद है, न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो केस नंबर जो 3 था ना आपके पास, केस 3, उसमें आप बोलते हो T2 - T1, ये डिफरेंस इज इक्वल टू T3, मतलब T2 - T1 / T3 = 1, मतलब cos थीटा इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। कौन सा केस था, प्योर वाटर, इज अ केस ऑफ प्योर वाटर, राइट, क्लियर। केस नंबर 4, केस फोर में आप ऐसा बोलते हो कि T2 - T1, अभी ये T2 - T1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इरेलेवेंट हो गया ये, बट इट इज ग्रेटर देन T3, मतलब T2 - T1 / T3 इज ग्रेटर देन 1, या तो ग्रेटर देन 1 या तो लेस देन -1, इधर ग्रेटर देन 1 और लेस देन -1, विच इज कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 और कॉस थीटा ग्रेटर लेस देन -1। वो तो होता ही नहीं है ना, कभी सुना है कि कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी या -1 से छोटी होगी, नहीं, हो गया खत्म, एंड। तो अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ, आई विल रिपीट, इज देयर एनी डाउट, पक्का। तो नाउ कमिंग टू द फ्लो, कि हाउ डू यू रिमेम्बर ऑल दिस, याद रखना ही नहीं होता है, आई एम टेलिंग यू, साइंस इज समथिंग, जैसे आप खाना खाना याद नहीं रखते हो वैसा ही है ये, याद रखना ही नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सर ड्रॉप कर दिया, क्या होगा, या ड्रॉप करने के बाद या तो एक लिक्विड का ड्रॉप बनेगा या स्प्रेड होगा, किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट पे और सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। लेकिन यहाँ पे दो और सरफेस टेंशन थे, वो भी देखने पड़ेंगे, सॉलिड एयर एंड लिक्विड एयर। फिर 3 सरफेस टेंशन, तो 3 वेक्टर 3 वेक्टर, तो आपको कंपोनेंट देखना पड़ेगा T3 का अलॉन्ग T1 या अलॉन्ग T2, डिपेंडिंग ऑन केस। दोनों ही केसेस में सेम फॉर्मूला बनता है, cos थीटा इक्वल टू T2 - T1 / T3। अगर T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है, तो T2 - T1 पॉजिटिव है, मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव है। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव और लेस देन डिनोमिनेटर है, अगर T2 - T1 पॉजिटिव है और लेस देन डिनोमिनेटर है, मतलब T2 - T1 लेस देन T3, तो T2 - T1 / T3 इज लेस देन 1, लेकिन T2 - T1 / T3 का cos थीटा लेस देन 1 एंड पॉजिटिव, दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब लिक्विड का ड्रॉप बनेगा,
लिक्विड कौन सा है? केरोसिन टाइप का, विच वेट्स अ सॉलिड। अगर टी टू माइनस टी वन ये लेस देन जीरो है, मतलब ये नेगेटिव है, मतलब टी टू लेस देन टी वन है, लेकिन न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है, मतलब टी टू माइनस टी वन बाई टी थ्री इज लेस देन जीरो बट ग्रेटर देन माइनस वन। तो कॉस थीटा इज लेस देन जीरो बट ग्रेटर देन माइनस वन। ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है मर्क्यूरी का केस। इफ टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी थ्री आ गया, मतलब टी टू माइनस टी वन बाई टी थ्री इक्वल टू वन आ गया, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू वन आ गया, तो थीटा इक्वल टू जीरो, प्योर वाटर का केस हो गया। जो बाकी केस बचा वो तो होता ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल केस है, तो उसका सोचना ही नहीं है आपको। डन, एंड ऑफ द स्टोरी, खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक है, अब तक हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को कौन से पैरामीटर अफेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूस फॉर मर्क्यूरी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 135 डिग्री। व्हेन आई से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर प्योर वाटर इज 0 डिग्री। व्हेन आई से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर केरोसिन वो 37-40 के आसपास कुछ होता है, आई डोंट रिमेम्बर द वैल्यू नाउ। लेकिन द क्वेश्चन हियर इज, क्या ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड पेयर, या फिर देर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? तो ऑफ कोर्स देर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो लेट अस डिस्कस अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को चेंज कर सकते हैं? सबसे पहला टर अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कॉन्टैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपको बताया 135 डिग्री फॉर मर्क्यूरी, ये 135 डिग्री फॉर मर्क्यूरी होता है विथ ग्लास। अगर हमने स्टील रख दिया वहां पे, ग्लास के जगह पे स्टील के अंदर भर दिया मर्क्यूरी, तो दैट विल चेंज। सो फर्स्ट फैक्टर दैट कैन चेंज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। तो मर्क्यूरी विथ ग्लास इज 135, मर्क्यूरी विथ स्टील इज नॉट 135, या फिर सम अदर लिक्विड विथ ग्लास इज नॉट 135। तो ये स्पेसिफाई डिपेंड करता है लिक्विड और सॉलिड के नेचर पे। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इन कॉन्टैक्ट। नंबर टू, ये भी बार बार बोल रहा हूँ आपको, मेनी टाइम्स आई सेड, 0 डिग्री एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज फॉर प्योर वाटर विद ग्लास। प्योर वाटर विद ग्लास, कैन यू प्लीज चेंज योर सिटिंग अरेंजमेंट, शिफ्ट हो जाओ वहां से क्विक। तो ये 0 डिग्री होता है फॉर प्योर वाटर एंड ग्लास। अगर मैं इसी प्योर वाटर में इंप्योरिटी डाल दूँ तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल चेंज, और वो चेंज क्यों होता है वो आगे समझेगा, वी विल डिस्कस दैट। तो ऑफकोर्स इम्प्यूरिटीज ऑल्सो अफेक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी वो इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का इम्प्योरिटी है, बिकॉज यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी। वन इज कंप्लीटली सोल्यूबल, जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, या फिर स्पेरिंगली सोल्यूबल जैसे डिटर्जेंट, राइट, या फिर इनसोल्यूबल जैसे पत्थर डाल दो, इट विल नेवर बिकम सोल्यूबल इन वाटर। तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा इम्प्योरिटीज ऑल्सो अफेक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आई विल नॉट से कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटी कौन सा टाइप का है। सोल्यूबल है तो अलग, इनसोल्यूबल है या स्पेरिंगली सोल्यूबल है तो अलग आएगा। नंबर थ्री, टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर चेंजेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉर्मली फॉर मोस्ट ऑफ द लिक्विड, मोस्ट फॉर ऑल द लिक्विड, अलमोस्ट एक आध दूसरा केस होगा तो होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज होगा। तो ये तीन फैक्टर्स है विच अफेक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नंबर वन, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सर्फेस इन कॉन्टैक्ट। नंबर टू,
इम्प्योरिटीज, एंड नंबर थ्री चेंज इन टेम्परेचर। गुड, तो इतना ही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इतना ही है। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। अभी होता क्या है ना, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम ही है, सेम नहीं है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज एंगल मेजर्ड बिटवीन सॉलिड सर्फेस एंड टैंजेंट। वो टैंजेंट जो है वो, तो लॉजिकली स्पीकिंग सरफेस टेंशन मतलब टेंजेंट चेंज होगा तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी चेंज होगा, राइट? बट दीज आर नॉट टू सेम थिंग्स। टेंजेंट का डायरेक्शन मतलब सरफेस टेंशन का डायरेक्शन। अगर सरफेस टेंशन चेंज हो रहा है मतलब टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को चेंज होना ही है, क्योंकि दैट इज द एंगल मेजर बिटवीन सॉलिड एंड टेंजेंट। तो इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। इसको सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक में नोट्स में नाम अलग दिया है, तो क्या लिखा होगा उधर, क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, सिर्फ बुक में इसको लिखा है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इम्प्योरिटीज एंड टेम्परेचर सरफेस टेंशन, एंड टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो सबसे पहला इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। इन टोटल यहाँ पे तीन टाइप के इम्प्योरिटी की बात करनी है हमको। नंबर वन सोल्यूबल इम्प्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू सॉल्ट इन वाटर इज कम्पैटिबल, सिर्फ इस केस में व्हेन अ सोल्यूबल इम्प्योरिटी इन अ लिक्विड लाइक वाटर, ओनली इन दिस केस सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, बाकी दोनों केसेस में डिक्रीजेस होता है। दिस इज द ओनली केस वेर यू विल फाइंड सरफेस टेंशन इज इंक्रीजिंग। सो व्हेन अ सोल्यूबल इम्प्योरिटी लाइक वाटर, सॉरी लाइक सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, क्या होगा? वॉट विल हैपन टू सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन इंक्रीज। ये तो आपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, क्या बोलना है इसमें? अभी आई डोंट नो, आई डोंट आई कैनॉट इमेजिन कि आपने कभी बचपन में गुलाब जामुन नहीं खाया होगा, रसगुल्ला नहीं खाया होगा, उसके साथ वो एक चाशनी होती है, वॉट इज दैट? दैट इज वॉटर एंड शुगर, मतलब शुगर इज बेसिकली डिजॉल्व इन वाटर, तो ठीक हो जाता है ना, ठीक हो जाता है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, सिंपल। तो ठीक होना मतलब सरफेस टेंशन बढ़ना, इन शॉर्ट। तो ये तो सबको याद रहना ही चाहिए कि जब भी आप सोल्यूबल इम्प्योरिटी वाटर में मिक्स कर देते हो तो सरफेस टेंशन क्या होता है? इंक्रीज होता है, नॉर्मली इट इंक्रीजेस। ओके, देन दूसरा टाइप का इम्प्योरिटी है स्परिंगली सोल्यूबल। स्पेरिंगली मतलब जो 100% सोल्यूबल नहीं है, स्पेरिंगली सोल्यूबल, पार्शियली सोल्यूबल भी बोल सकते हो आप, स्पेरिंगली सोल्यूबल लाइक डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मैंने तो बताया था आपको, मैंने सरफेस टेंशन जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एग्जाम्पल ही यहाँ से दिया था कि नॉर्मली क्या होता है, क्लोथ्स, योर क्लोथ्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, दीज आर ऑल मेश लाइक स्ट्रक्चर, मेश नॉट मेस। मेश का मतलब अलग होता है, मेश का मतलब अलग होता है, मेश मतलब नेटवर्क होता है, दिस इज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो मैंने आपसे पूछा भी था कि कपड़े जब धोते हो तो डिटर्जेंट मिक्स करते हो क्या, एंड ऑल ऑफ यू सेड यस। मैंने पूछा था नहीं किया तो क्या होगा, आपने बोला था साफ नहीं होगा, तो साफ नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि अगर सपोज देर इज सम डस्ट पार्टिकल, यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल है, दे आर स्टक हियर, एंड इफ यू आर वॉशिंग द क्लोथ्स विद नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर के दो मतलब होते हैं, प्योर वाटर और नॉर्मल वाटर का मतलब ये होता है कि नॉट वेरी होल्ड हॉट,
नॉर्मल इज नॉर्मल, खाना खाने जाते हो तो पूछते हैं ना नॉर्मल पानी लाए हैं कि ठंडा लाए कि गर्म लाए, तो नॉर्मल इज एट रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मल मतलब दोनों चीजें हो गई, रूम टेम्परेचर पे है और उसमें तुमने कुछ और मिक्स नहीं किया, नो इम्प्योरिटीज एडेड। तो व्हेन यू हैव सच अ केस, उस केस में नॉर्मली होता क्या है, ये जो मेश है यहाँ पे वाटर का फिल्म बन जाता है। फिल्म बनना इज नॉट गुड, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वाटर यहाँ से पास नहीं हो पाएगा इजिली। तो अगर वो इजिली पास नहीं हो पाएगा तो वो डस्ट पार्टिकल को लेके जा नहीं सकता, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन ज्यादा है, राइट करेक्ट। एंड देन यू एड समथिंग कॉल्ड एज डिटर्जेंट, अलग अलग ब्रांड के आते हैं। और यस इट मैटर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि यू शुड नो अगर मैंने कोई बहुत ही लोकल ले लिया, अभी अल्टीमेटली एट द बॉटम लेवल इट इज स्टार्च, डिटर्जेंट इज स्टार्च, तो नहीं स्टार्च फैक्ट्री। हाँ तो डिटर्जेंट जो है ना नॉर्मली एट द बेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है तो सरफेस टेंशन बहुत ही रिड्यूस कर देगा। सरफेस टेंशन बहुत रिड्यूस होना मतलब पानी तो इजिली फ्लो होगा इसमें से, डस्ट पार्टिकल को तो लेके जाएगा, लेकिन जो फैब्रिक को कलर दिया वो भी निकाल के लेके जाएगा, क्योंकि फैब्रिक एट द बेस इज वाइट। तो कोई भी कपड़ा लाओ वो वाइट ही होता है, उसको बाद में डाइंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ डाइंग बेसिकली, पुटिंग कलर। तो वो कलर तो थ्रेड पे ही चिपकेगा ना, अगर आपने ज्यादा यहाँ पे डिटर्जेंट मिक्स कर दिया, सरफेस टेंशन कम हो गया, तो डस्ट पार्टिकल के साथ कलर भी लेके जाएगा उस साथ में। तो दैट इज वाई इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड नॉट बी यूजिंग। अभी मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल पे आता हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, ऑल ऑफ अस वियर जीन्स। तुमको पता है कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, हमारा इंडियन तो नहीं है वो, दैट कम्स फ्रॉम अब्रॉड, डेनिम। बात ऐसी है जीन्स जो है ना ये क्यों होता है, बिकॉज जहाँ पे पानी की किल्लत हो, बिकॉज कपड़े धोने में बहुत पानी जाता है यू शुड नो, और जहाँ लोग आलसी हो, आई हैव बीन टू फॉरेन कंट्रीज, मुझे पता है कितने आलसी लोग हैं वो। तो एनी वेज आई एम नॉट मेकिंग नेगेटिव कमेंट, दैट इज देयर वे ऑफ लाइफ, लेकिन उनको बहुत जान पे आता है काम करना। इवन दो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उनको उठा के मशीन में डालना और चालू करना भी जान पे आता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स कम्स फ्रॉम देयर, कि एक ही चीज़ तुम दिन कम से कम हफ्ते में 4 बार पहनो और बाद में दो, दैट इज द आइडिया। इसके लिए हम लोग, हमारी आदत होती है ना, एक बार पहना और धो दिया, 2 महीने के बाद कलर निकल गया, फिर कंप्लेन लाता है ब्रांड खराब है। ब्रांड नहीं खराब है, और ये डिजाइन टू डू दैट ओनली, उसका मतलब ये है कि महीने में एक बार धोना है तुमको, 4 5 6 7 बार पहनने के बाद। तुम ज़्यादा अगर डिटर्जेंट में धोओगे तो कलर निकलने वाला है उसका, वो कॉन्सेप्ट है। हमारा तो नेचुरल स्टाइल ही वाइट था। इफ यू सी अभी भी गाँव में अगर जाओगे या कोई गाँव से होंगे तो यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ देम स्टिल वियर वाइट खादी, राइट गुड। तो वो तो कितनी बार भी धो, वाइट बेस ही वाइट है तो कलर क्या निकलेगा उसका। हाँ डस्ट से खराब होगा वो अलग चीज़ है, दैट इज डिफरेंट थिंग। सो एनी वेज, तो ये साइंस इज कनेक्टेड एवरीवेयर, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बताना पड़ता है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द फील ऑफ द सब्जेक्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया, करेंगे थोड़ी बहुत में सरफेस टेंशन कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। सो व्हेन व्हेन अ स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्यूरिटी लाइक डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर, इज एडेड टू वाटर, इट्स एसटी सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीजेस। और फिर नोट्स में ऐसा लिखा होता है, सिंस इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीज हेंस वाटर मेक्स गुड कॉन्टैक्ट विद द फैब्रिक एंड हेंस इट कैन टेक अवे डस्ट पार्टिकल्स एंड द क्लॉथ्स क्लॉथ गेट्स क्लीन अप। तीसरा है इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी विल बेसिकली डिक्रीज सरफेस टेंशन। तो व्हेन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी इज एडेड टू वाटर, इज एडेड टू वाटर, सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज, इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। अब आप बोलोगे ये सरफेस टेंशन डिक्रीज क्यों हुआ, देयर अगेन सम रीजन बिहाइंड इट। लुक द आइडिया हियर इज, इफ आई टेक सम कंटेनर, और अगर इस कंटेनर में पानी भर दिया तो
आपको पता है एच पे क्या होने वाला है, कॉनकेव। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड विथ सॉलिड यू विल सी कर्वेचर, कॉनकेव होता दिखेगा आपको। और ये जो मिनिस्कस बनता है ना, कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, इट इज बिकॉज ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। इसके लिए हमने दो लेक्चर स्पेंड किए टू अंडरस्टैंड कि क्यों कॉन्वेक्स बना, क्यों कॉनकेव बना। तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए दैट दिस शेप इज ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। चलो अभी पूछ ही रहा हूं, तो कॉनकेव के केस में रिजल्टेंट फोर्स कहाँ होता है? सॉलिड में होता है। वेरी गुड, ओके गुड। नाउ इमेजिन इसमें हमने कुछ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी डाल दिया, जैसे स्टोन डाल दिए, पत्थर डाल दिए, दिस इज इनसोल्यूबल। वैसे इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज कभी फ्लोट नहीं करता है नॉर्मली, नॉर्मली इट विल सेटल डाउन एट द बेस। नॉर्मली मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, इट इज नॉर्मली दैट इज द केस। अब तक प्योर लिक्विड था, प्योर वाटर था, अब साथ में आ गया, मतलब प्योर वाटर था मतलब एडहेसिव फोर्सेस थे तो सिर्फ बाउंड्री पे थे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब साथ में तुमने पत्थर वत्थर डाल दिया अंदर, तो अभी एडहेसिव फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि नाउ यू हैव मोर एडहेसिव फोर्स ड्यू टू दिस इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। तो दिस इंक्रीज इन एडहेसिव फोर्स लीड्स टू डिक्रीज इन कोहेसिव फोर्स, रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा क्योंकि एडहेसिव फोर्स बढ़ गया। अब ऐसा कैसा हो गया? इमेजिन ये सब इम्प्योरिटी आने से पहले यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में सिर्फ बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो देयर इज ओनली कोहेसिव फोर्स। नाउ एज सून एज यू एड, जैसे ही तुमने यहाँ पे इम्प्योरिटीज डाल दिए विच आर इनसोल्यूबल, तो क्या होगा, उस स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स आ गए, मतलब एडहेसिव फोर्स विल इंक्रीज। तो दैट इंक्रीज इन एडहेसिव फोर्स विल लीड टू डिक्रीज इन कोहेसिव फोर्स, सो दैट इज व्हाई इन दिस केस सरफेस टेंशन आल्सो डिक्रीजेस। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। अभी इतना डिटेल एग्जाम में जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिख के दिया उतना भी लिखा सफिशियंट। तो सोल्यूबल इम्प्योरिटी विल इंक्रीज सरफेस टेंशन, अदरवाइज डिक्रीज सरफेस टेंशन, अदरवाइज मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल या फिर इनसोल्यूबल। ओके तो पीछे बैठ के थोड़ा पीछे बैठ के ऐसा मत समझो मेरा ध्यान नहीं है, यू आर स्टिल अंडर माई स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑल ऑफ यू। तो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, दैट इज नॉट अ चॉइस, दैट इज देर इज नो ऑप्शन टू दैट। यहाँ ध्यान दो। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऑलमोस्ट सारे लिक्विड्स में इंक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू डिक्रीज इन सरफेस टेंशन, ऑलमोस्ट लिक्विड्स में, सिर्फ दो तीन एक्सेप्शनल केसेस है लेकिन वो लिक्विड नहीं है, जैसे मोल्टन कॉपर। अगर आप कॉपर को मेल्ट करते हो, मतलब सॉलिड को तुम मोर और लेस लिक्विड फॉर्म में लाते हो, लावा पता है लावा, हाँ वैसा। तो मोल्टन कॉपर जो है उस केस में उल्टा होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल लीड टू इंक्रीज इन सरफेस टेंशन, दैट इज द ओनली केस, अदरवाइज सारे ही लिक्विड में टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन कम होगा। नाउ आई विल गिव यू अनदर रियल लाइफ एग्जाम्पल। अभी जब आप नए कपड़े लाते हो तो उस पर लिखा होता है डू नॉट वॉश इन हॉट वाटर, लिखा होता है वहां पे, क्योंकि अगर तुमने हॉट वाटर में उसको धोया तो हॉट वाटर का सरफेस टेंशन कम है, सो द वाटर विल मेक एक्सेलेंट कॉन्टैक्ट विद द फैब्रिक एंड इट विल टेक अवे ऑल द कलर, कलर निकल जाता है उसमें से। नंबर टू, बहुत ज़्यादा गंदे कपड़े होंगे, जैसे बेडशीट होता है, जैसे टॉवल होता है, बिकॉज नॉर्मली दिस इज समथिंग दैट वी डू वंस इन अ वाइल। बेडशीट हर दिन तो कोई नहीं धोता ना, एक दिन सो लिया उठा के धो दिया, ऐसा तो कोई नहीं करता। तो उस केस में तुम जानबूझ के गर्म पानी में धोते हो उसको, तो गर्म पानी में क्यों धोते हो, क्योंकि गर्म पानी सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, डिटर्जेंट और भी डिक्रीज करता है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज इन सरफेस टेंशन ड्यू टू टू पैरामीटर्स, ड्यू टू डिटर्जेंट एंड ड्यू टू टेम्परेचर हॉट वाटर। तो दैट इज वाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या लिखोगे, इन ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड्स, मतलब इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो नंबर टू, ये पहला था इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब ये भी पूरा टॉपिक थ्योरी है, लेकिन दिस इज नॉट बोरिंग बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू यूज इन रियल लाइफ। तो इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स
एक्चुअली ऑल ऑफ द लिक्विड्स, इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, क्योंकि मोल्टन कॉपर इज नॉट रियली अ लिक्विड फॉर्म, वो हमने उसको लिक्विफाई कर लिया. इन मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. बस इससे ज्यादा डिटेल में लिखूंगा नहीं. यू नो नाउ हॉट वाटर मेक्स एसिडेंट कॉन्टैक्ट विद द फैब्रिक ऑफ दैट क्लोथ वट एवर इट इज, एंड हैंस हैंस इट इज एडवाइज दैट यू शुड नॉट वॉश न्यू क्लोथ इन हॉट वाटर, बट यू शुड वॉश वेरी डर्टी क्लोथ इन हॉट वाटर. बट मोल्टन कॉपर, फॉर मोल्टन कॉपर और एक भी केस है, आई डोंट रिमेम्बर कैडमियम, यस फॉर मोल्टन कॉपर एंड कैडमियम सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सिंपल सिंपल, याद है, क्लियर, गुड. सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्फेस टेंशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट तो ऑलरेडी देख लिया, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्फेस टेंशन में दो ही है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेस प्रेशर, है ना, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड. एक्सेस प्रेशर, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, और ये एक्सेस और ये एक्सेस में डिफरेंस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एक्सेस? टू अलाउ या टू हैव एक्सेस टू समथिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग. जैसे यू हैव एक्सेस टू द लाइब्रेरी बट यू डू नॉट हैव एक्सेस ऑफ लाइब्रेरी. एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा, हमारे पास एक ही लाइब्रेरी है और सबको एक्सेस है उसका. एक्सेस, ये एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा. तो एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड, अक्रॉस द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड. अब इसका मतलब क्या बताता हूं मैं, फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड थोड़ा अच्छे से समझ लेना. अभी अभी आपने खुद ने ही ये बोला कि देर आर मिनिमम टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, एक जिसमें कर्वेचर होता है कॉनकेव, एक होता है जिसमें कॉन्वेक्स, और तीसरा हाइपोथेटिकल केस था फ्लैट. तो यू हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड सर्फेसेस, फ्री लिक्विड सर्फेस. वन इज फ्लैट सर्फेस, वन इज दिस, इज दिस कॉनकेव और कॉन्वेक्स? हाँ कॉनकेव, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा होता है लिक्विड के बाहर. इसको अपर कॉनकेव बोलते हैं क्योंकि ऊपर से देख रहे हो, इसलिए अपर कॉनकेव. देन यू हैव दिस टाइप ऑफ लिक्विड ऑल्सो, इसको अपर कॉन्वेक्स बोलते हैं, राइट. अब द क्वेश्चन हियर इज लिक्विड सरफेस के दोनों साइड्स पे, लेट अस से मैं एक पॉइंट लेता हूं ए जस्ट अबव और एक पॉइंट लेता हूं बी जस्ट बिलो. तीनों केसेस में आई विल टेक टू पॉइंट्स, ए विच इज जस्ट अबव एंड बी विच इज जस्ट बिलो. तो द क्वेश्चन हियर इज क्या दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है या नहीं है? अगर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कौन से साइड पे ज्यादा है, दैट इज दिस टॉपिक टॉक्स अबाउट दैट ओनली. ये टॉपिक आपको वही बता रहा है, एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अक्रॉस, अक्रॉस मतलब सरफेस के ऊपर और नीचे, अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. तो हमको ये समझना है, हमको ये देखना है कि वहां पे प्रेशर डिफरेंस है कि नहीं है. अगर है तो फिर ए पॉइंट पे ज्यादा है कि बी पॉइंट पे ज्यादा है, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू चेक. तो पहले समझ में आया करना क्या है. सो व्हाट डू यू वांट टू चेक, इज देयर एनी प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. उसके लिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे तीन सरफेस ड्रॉ की, क्योंकि ये तीन ही सरफेस हमको बात करनी है, और जानबूझ के मैंने दो पॉइंट्स दिखाए ए और बी, क्योंकि यही दो पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे. तो वी वॉन्ट टू चेक कि ए और बी पॉइंट पे प्रेशर सेम है क्या, अगर है तो क्यों है, यू हैव टू एक्सप्लेन. अगर नहीं है तो कौन से साइड पे ज्यादा है, कॉन्वेक्स साइड पे ज्यादा है कि कॉन्केव साइड पे ज्यादा है? अगर कॉन्केव साइड पे ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, और कॉन्वेक्स साइड पे कम है तो क्यों कम है? दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू एक्सप्लेन. सो वी विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग वन बाय वन, बट रिमेंबर प्रेशर अक्रॉस द सरफेस डिसाइड करता है टेंजेंशियल फोर्स. अबे टेंजेंशियल फोर्स कहाँ सुना था तुमने?
सरफेस टेंशन। तो अगर आपको याद होगा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे एक्सपीरियंस टेंजेंशियल फोर्सेस। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्सेस होते हैं एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ये जो फोर्सेस है सरफेस टेंशन के, ये डिसाइड करेंगे कि सरफेस का शेप क्या है, ये डिसाइड करेंगे कि ए और बी पे प्रेशर सेम है कि नहीं। तो ऑलवेज रिमेम्बर, एनी मॉलिक्यूल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एनी मॉलिक्यूल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सपीरियंसेस क्या एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, कौन सा फोर्स एक्सपीरियंसेस टेंजेंशियल फोर्स। और ये टेंजेंशियल फोर्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन, एक्सपीरियंसेस टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है इसका जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन क्या है वो डिसाइड करेगा कि अक्रॉस द सरफेस प्रेशर सेम है कि नहीं। तो द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन डिसाइड्स टू थिंग, डिसाइड द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस, द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस एंड द प्रेशर अक्रॉस द लिक्विड सरफेस, एंड द प्रेशर अक्रॉस द सरफेस, राइट, क्लियर। तो हम अभी तीन टाइप के सरफेस लेंगे। सबसे पहला है फ्लैट लिक्विड सरफेस, टॉपिक में भी लिखा होगा वो, क्या नाम दिया है में? प्लेन प्लेन लिक्विड सरफेस मतलब फ्लैट लिक्विड सरफेस। तो केस नंबर वन, तो विल स्टार्ट विथ केस नंबर वन, दैट इज प्लेन लिक्विड सरफेस मतलब फ्लैट लिक्विड सरफेस। तो पहला केस है प्लेन मतलब फ्लैट लिक्विड सरफेस। लेट अस इमेजिन अ प्लेन लिक्विड सरफेस। अब इस प्लेन लिक्विड सरफेस पे हम एक मॉलिक्यूल ले लेंगे, सम मॉलिक्यूल, लेट अस टेक सम मॉलिक्यूल ऑन दिस प्लेन लिक्विड सरफेस, सम मॉलिक्यूल। और इसके लिक्विड सरफेस के जस्ट ऊपर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो, क्योंकि अगर आपने जस्ट बिलो ये वर्ड यूज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। बताता हूँ क्या होगा, बताता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। एक पॉइंट लोगे जस्ट अबोव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड और एक लोगे जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो ए और बी पॉइंट्स। तो वी हैव टू कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी, जस्ट अबोव एंड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड वी हैव टू कंसीडर अ मॉलिक्यूल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। नाउ क्योंकि बिकॉज द सर्फेस इज फ्लैट प्लेन है, तो इसका मतलब जितना टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन राइट साइड में है, जितना टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन राइट साइड में है उतना ही लेफ्ट साइड में है, राइट। इसका मतलब टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज हॉरिजॉन्टल, ओनली हॉरिजॉन्टल, देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, दिख रहा है क्या वर्टिकल कंपोनेंट। दूसरा इक्वल बट अपोजिट, तो दो वेक्टर्स इक्वल बट अपोजिट क्या होता है, कैंसलेशन। इसका मतलब यहाँ पे इस केस में नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज जीरो, मतलब यहाँ पे बचा एक ही फोर्स, दैट इज फोर्स ड्यू टू एटमोस्फियर। आपको पता है एटमोस्फियर का प्रेशर, देखा था याद है एटमोस्फेरिक प्रेशर कहाँ से आता है, ड्यू टू एयर अबव अ गिवन पॉइंट। एक जिस पॉइंट पे मैं प्रेशर फाइंड कर रहा हूँ उसके ऊपर एयर का कॉलम कितना है वो बताता है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब ए पॉइंट पे प्रेशर है ड्यू टू एटमोस्फियर और जहां प्रेशर है वहां पे क्या है फोर्स है, तो ए पॉइंट पे एक ही फोर्स है दैट इज ड्यू टू एटमोस्फियर। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर को डिनोट करते हो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है उसको डिनोट करेंगे एफ जीरो, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बराबर। अब ये जस्ट अबोव और जस्ट बिलो क्यों लिया था, सपोज इमेजिन मैं अगर बी पॉइंट थोड़ा सा नीचे ले लेता
तो बी पॉइंट पे दो प्रेशर एक्ट करते हैं, एक होता ड्यू टू लिक्विड कॉलम दैट इज एच रो जी प्लस एटमोस्फेरिक, लेकिन मैंने बोला जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो। जस्ट बिलो का मतलब ये है कि जैसे ही लिक्विड सरफेस खत्म हुआ उसके इमिजिएटली बाद बी पॉइंट है, मतलब प्रैक्टिकली सेइंग कि बी के ऊपर लिक्विड है ही नहीं, डायरेक्टली कौन है, एटमोस्फियर है। इसका मतलब बी पे भी कितना फोर्स लगेगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर का फोर्स, मतलब जितना फोर्स ड्यू टू एटमोस्फियर है ए पॉइंट पे उतना ही प्रेशर किस पॉइंट पे है। अगर प्रेशर सेम है तो फोर्स भी सेम है, तो ए और बी जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो फोर्सेस सेम है कि अलग अलग है, तो प्रेशर सेम है कि अलग अलग है, हाँ, सो देयर इज नो एक्सेस प्रेशर। तो फ्लैट सरफेस ऑफ लिक्विड के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे देयर इज नो एक्सेस ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, तो डेल्टा पी इक्वल टू जीरो। तो जब भी फ्लैट सरफेस दिखे मतलब डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम में आएगा। व्हाई आई एम टीचिंग यू बेसिक्स, आप समझोगे धीरे धीरे इस चैप्टर में थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड 50% क्वेश्चन होते हैं, मतलब अगर वो पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिंपल, जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल पे अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो प्रेशर इज सेम, अगर यही नहीं पता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सिंपल, तो अगर फ्लैट सर्फेस है तो वॉट इज एक्सेस प्रेशर अक्रॉस सर्फेस, जीरो, देर इज नो एक्स्ट्रा प्रेशर, देर इज सेम प्रेशर, गुड। तो सिंपल इसको वापस एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे, वी विल स्टार्ट विद अ फ्लैट सर्फेस ऑफ लिक्विड, सो वी विल स्टार्ट विद सम फ्लैट सर्फेस ऑफ लिक्विड, सो लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर, अभी अगले दो टॉपिक के लिए मैं लिखने का काम नहीं करूंगा, आई जस्ट टेल यू व्हाट आर द रिजल्टेंट फोर्सेस, आपको पता लिखना कैसे है। तो लेट अस कंसिडर अ प्लेन और फ्लैट सर्फेस ऑफ लिक्विड, प्लेन सरफेस ऑफ लिक्विड, लेट अस इमेजिन अ मॉलिक्यूल ऑन दिस सरफेस ऑफ लिक्विड, इमेजिन अ मॉलिक्यूल ऑन दिस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे, उस पर क्या एक्ट हो रहा है, कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो दिस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंसेस टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच 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 कैंसल्स आउट, तो देयर फोर रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज जीरो, देयर फोर रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज जीरो। अब हम दो पॉइंट ले लेंगे, वन जस्ट अबो वन जस्ट बिलो, सो लेट अस कंसिडर टू पॉइंट्स ए एंड बी जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो दिस मॉलिक्यूल, मतलब जस्ट अबो एंड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सो लेट अस कंसिडर टू पॉइंट्स, कहाँ कहाँ है ये पॉइंट्स, जस्ट अबोव एंड एंड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और इन दोनों पे ही सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट होता है, फोर्स ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, सिंस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज जीरो, तो ओनली फोर्स एक्टिंग इज फोर्स ड्यू टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स एक्टिंग ऑन दीज टू पॉइंट्स, ऑन दीज टू पॉइंट्स इज
इज ओनली ड्यू टू एटमोस्फियर, इज ओनली ड्यू टू एटमोस्फियर. देयरफॉर फोर्स एट ए इक्वल टू फोर्स एट बी, देयरफॉर प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, देयरफॉर डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर देयर इज नो एक्सेस प्रेशर, नो एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन दिस केस, दैट इज अक्रॉस प्लेन लिक्विड सरफेस. तो यहाँ पे कोई एक्सेस प्रेशर नहीं है, देयर इज नो एक्स्ट्रा प्रेशर. एंड द क्लियर, पक्का श्योर? श्योर. केस टू क्या है? केस टू अपर कॉन्केव है कि अपर कॉन्वेक्स है? अपर कॉन्वेक्स. तो केस टू इज अपर कॉन्वेक्स. कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपर कॉन्केव पहले लो, अपर कॉन्वेक्स पहले लो. तो अपर कॉन्वेक्स मतलब बेसिकली यू हैव समथिंग लाइक दिस, बराबर ऐसे है ना. अपर कॉन्वेक्स तुम ऊपर से देख रहे हो, मैंने वहां ब्रैकेट में लिख कर दिया है अपर कॉन्वेक्स क्यों बोला उसको, लिखा है वहां पे अच्छा कॉन्वेक्स लेंस सीन फ्रॉम अबव, राइट? तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अपर कॉन्वेक्स. इट इज लोअर कॉन्केव ऑल्सो, ये लोअर कॉन्केव है लेकिन अपर कॉन्वेक्स है. अब इमेजिन सेम थिंग, हम लोग वापस यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लेंगे राइट एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, दो पॉइंट लेंगे ए एंड बी, जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो, जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो. अब आपको ऑलरेडी पता है कि ए पॉइंट पे फॉर श्योर पक्का फोर्स ड्यू टू एटमोस्फियर है, ओके okay. और ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल वाइट डॉट, दिस इज नॉट इमेजिनरी पॉइंट, दैट इज अ मॉलिक्यूल. ये जो मॉलिक्यूल है इस पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? टेंजेंशियल. मतलब आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे. थोड़ा सा मेरे को सरफेस का शेप चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो टेंजेंट टेंजेंट दिखेगा नहीं, कुछ और ही दिखेगा वो. तो फाइन, आई डू समथिंग लाइक दिस. नाउ इट इज ओके दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज काइंड ऑफ अ टेंजेंट. गुड. तो फाइन, तो ये हमारे पास अपर कॉन्वेक्स सरफेस था समथिंग लाइक दिस. ये जो टेंजेंशियल फोर्स है हमारे पास ड्यू टू सरफेस टेंशन, अब इसके मैं कर सकता हूँ दो कंपोनेंट्स. और इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज थोड़ा सा इसको और ऐसा ले लेते हैं, तो परफेक्ट टेंजेंट. गुड, यहाँ पे भी परफेक्ट टेंजेंट कर लेते हैं. फाइन, अब इसके दो कंपोनेंट कर लेंगे. पहले तो मेरे को बताओ कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट कर रहा है ये दोनों, एक फोर्थ में एक थर्ड में. तो दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ जाएगा, इसका यहाँ आएगा, और वर्टिकल दोनों का नीचे आएगा. तो वर्टिकल कंपोनेंट दोनों का नीचे आएगा. तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. तो रिमेम्बर, अभी लिखना लिखना तो आप सबको पता ही है. कंसिडर अपर कॉन्वेक्स सरफेस एज शोन इन फिगर. इमेजिन अ मॉलिक्यूल ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. कंसिडर टू पॉइंट्स ए एंड बी, जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. द टेंजेंशियल फोर्सेज एक्टिंग ऑन मॉलिक्यूल ए, ऑन मॉलिक्यूल एट द फ्री सरफेस आर एज शोन इन फिगर. फिर क्या हुआ, इसके कंपोनेंट हो गए. दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इक्वल बट अपोजिट एंड हेंस दे कैंसल आउट. वर्टिकल कंपोनेंट्स आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स एंड हेंस द रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज नॉट जीरो इन दिस केस. पिछले केस में क्या था? जीरो था. इस केस में रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज नॉट जीरो. द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट ए, ए पॉइंट पे एक ही फोर्स है, फोर्स ड्यू टू एटमोस्फियर. व्हाइल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन पॉइंट बी आर टू फोर्सेस, एक है फोर्स ड्यू टू एटमोस्फियर व्हाइल द अदर इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. इसका मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, फोर्थ एक्टिंग ऑन पॉइंट ए इज ओनली एटमोस्फेरिक एंड फोर्थ एक्टिंग ऑन पॉइंट बी इज एटमोस्फेरिक प्लस रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. करेक्ट?
राइट, बट वट इज एफ ओ एफ ए, तो देयर फोर एफ बी इक्वल टू एफ ए प्लस प्लस रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब मेरे को बताओ दोनों एफ ए फोर्स ज्यादा है कि एफ बी ज्यादा है? एफ बी ज्यादा है, देयर फोर एफ बी इज ग्रेटर देन, देयर फोर प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए। लेकिन ये बी पॉइंट कॉन्वेक्स साइड पे था कि कॉनकेव साइड पे था? कॉनकेव। इसका मतलब व्हाट है, यू कैन से इज द फोर्स और द प्रेशर ऑन द कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड। क्लियर आंसर? ये सब थ्योरी में लिख के दिया है मैंने। गुड, तो मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ इसको एक बार रिपीट करूंगा, और क्योंकि इट इज सो सिंपल टू राइट नाउ एंड यू मस्ट लर्न हाउ टू राइट ऑफकोर्स। चलो ठीक है, नहीं ये ऐसा ही है, आई कैन नॉट कीप ऑन राइटिंग एवरीथिंग। दो चीजें हैं, एक तो यू विल बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट आई एम राइटिंग, नंबर टू दिस हैबिट इज नॉट गुड। अभी पेरेंट्स ने सिखा दिया ना बोलना, तो खुद ही बोलते हो ना कि बार बार बोलेंगे पेरेंट्स वही बोलना है, ऐसा तो नहीं होता है ना? एक बार चलना सीख के खुद चलते हो, लिखना सीख के खुद लिखते हो, वही सब है। कोई नहीं बोलेगा कि आपने गलत ग्रामर लिखा, योर राइटिंग पेपर ऑफ साइंस, नो वन विल चेक बराबर आर्टिकल लिखा कि नहीं, ग्रामर आगे पीछे हुआ कि नहीं, सिक्वेंशली है कि नहीं। साइंस में कोई नहीं देखता, साइंस में ये देखा जाता है तुमने जो तो लिखा वो सही है कि नहीं। कंसिडर द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड, सर्फेस कौन सा था? अपर कॉन्वेक्स। कंसिडर अ फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड विच इज अपर कॉन्वेक्स, डन। यहाँ से स्टार्ट करो, उसके बाद पहले तो फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड ले लेते हैं। सो लेट अस टेक फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड विच इज अपर कॉन्वेक्स। इसके बाद कंसिडर अ मॉलिक्यूल ऑन दिस फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड, देन इमेजिन टू पॉइंट्स ए एंड बी जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो। तो दो पॉइंट ले लिए जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो द फ्री सर्फेस ऑफ लिक्विड। द फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेंशन एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल इज अलॉन्ग द टेंजेंट। तो ये आ गया फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेंशन, टेंजेंशियल फोर्स है ये, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स आ गया। देन दिस फोर्स ड्यू टू सर्फेस टेंशन कैन बी स्प्लिट अप इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट्स? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ड्यू टू सर्फेस टेंशन विल कैंसल आउट सिंस दे आर इक्वल बट अपोजिट। तो ये सर्फेस टेंशन था, उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल हो गए, वर्टिकल कंपोनेंट्स एड अप इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट ए जस्ट अबव इज ओनली ड्यू टू एटमोस्फियर, देयर फोर यू कैन से फोर्स एट पॉइंट ए इक्वल टू एटमोस्फेरिक फोर्स, इक्वेशन नंबर वन। बट एट पॉइंट बी देर आर टू फोर्सेज विच आर एक्टिंग, फोर्स एट पॉइंट बी इज ड्यू टू फोर्स ऑफ एटमोस्फियर प्लस प्लस रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। देयर फोर ये इक्वेशन नंबर टू है, तो हम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू व्हाट डू यू सी इज सिंपल सिंपल सिंपल, फोर्स एट बी इक्वल टू फोर्स एट ए प्लस रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। देयर फोर फोर्स एट बी इज ग्रेटर देन फोर्स एट ए, क्योंकि ए में कुछ ऐड करोगे तो बी बन रहा है, मतलब बी का फोर्स ज्यादा है ए पे कम है। देयरफॉर प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट ए, देयरफॉर प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड, ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड। अब आप बोलोगे ये कहाँ काम में आएगा, तो ये कल के लेक्चर में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक है जिसको आप लैपलास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन बोलते हो, जिनको यही नहीं पता, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको बहुत बार बताया है विंड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू, मतलब फोर्स का डायरेक्शन होता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू, तो कॉन्केव साइड पे प्रेशर ज्यादा है, कॉन्वेक्स साइड पे कम है, तो फोर्स कहाँ से कहाँ लगेगा? कॉन्केव टू कॉन्वेक्स। तो अगर यही नहीं पता तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा, दैट इज वैट इज इंपॉर्टेंट। अभी लास्ट सरफेस, लास्ट इट विल टेक जस्ट 5 मिनट्स, वैसे भी 5:10 तक का टाइम होता है, 5 हुए हैं तो 5 मिनट के अंदर हो जाएगा, नहीं तो कल मुझे पूरा रिपीट करना पड़ेगा। यू डोंट अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, क्योंकि यू हैव टू
आई हैव टू मेक अ लिंक बिफोर गोइंग अहेड, तो अपर कॉन्वेक्स की जगह पे क्या जाएगा, अपर कॉनकेव, इट विल टेक जस्ट फ्यू मिनट्स, अपर कॉनकेव। तो सपोज मेरे पास एक ऐसा सरफेस है अपर कॉनकेव, फिर हमने इस सरफेस पे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे एक मॉलिक्यूल ले लिया, फिर हमने दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, जस्ट अबोव एंड जस्ट बिलो, ए पॉइंट इज जस्ट अबोव एंड बी पॉइंट इज जस्ट बिलो, देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज टेंजेंशियल, ये आ गया टेंजेंशियल फोर्स, सरफेस टेंशन का फोर्स है ये टेंजेंशियल, देन ऑफ कोर्स इसके कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट्स दे विल एड अप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट, बराबर। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये ए पॉइंट पे एक्ट हो रहा है वर्टिकली अप, और ए पॉइंट पे और एक फोर्स है एटमोस्फेरिक फोर्स, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, और बी पॉइंट पे एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स एट बी पॉइंट इज ओनली ड्यू टू एटमोस्फियर, क्योंकि बी पॉइंट सरफेस के नीचे है, सरफेस टेंशन का फोर्स डायरेक्शन ऊपर है, मतलब वो जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो ए पे एक्ट कर रहा है बी पे नहीं, तो बी पे फोर्स इज ओनली ड्यू टू एटमोस्फियर, लेकिन ए पे जो फोर्स है वो एटमोस्फेरिक फोर्स माइनस माइनस रिजल्टेंट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन माइनस क्यू, एटमोस्फेरिक फोर्स का नीचे और सरफेस टेंशन का है ऊपर, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होता है कैंसलेशन, अगर इक्वल हो तो, ये इक्वल है क्या, नहीं, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन फोर्स एट बी इज इक्वल टू एफ ओ, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी माइनस एफ टी बाय आर, तो यहां से व्हाट इज एफ बी, व्हाट इज एफ बी, एफ ए प्लस, बराबर, सही है, नहीं, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन व्हाट यू आर सेइंग, मेरे को आपसे आंसर करेक्ट चाहिए। चलो दूसरा इक्वेशन छोड़ दो, मेरे को यहां बताओ ए साइड पे फोर्स ज्यादा है कि बी साइड पे फोर्स ज्यादा है, ए के बी, ए पक्का, श्योर श्योर, ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है ये ए पॉइंट पे एक्ट करेगा कि बी पॉइंट पे एक्ट करेगा, ए की बी ए पे, श्योर विल इट एक्ट एट पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ठीक है आई विल गिव अ स्मॉल रीडिंग असाइनमेंट दैट इज थर्ड केस अपर कॉनकेव, वो पढ़ के आओ, मुझे पता है ये गड़बड़ होता है क्योंकि फिर आप बोलोगे ए पे फोर्स कम है बी पे ज्यादा है, वेट वेट वेट, वी आर स्टॉपिंग हियर बट 2 मिनट रुक जाओ, अगर ए पे फोर्स कम है तो प्रेशर कम कहाँ पे है, ए पे, ज्यादा कहाँ पे है, कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, कभी भी ज्यादा होता है, राइट, गुड, तो छोटा रीडिंग असाइनमेंट है वो पढ़ के आओ, फिर टुमारो आई विल कंटिन्यू विद दिस अगेन।